हाँ, हम सम्राट चौधरी सर से मिले, बोले जैसे कि हम बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक एक महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू नहीं किया। चार साल पढ़ाई करने के बावजूद भी हम लोग को बार बार 8 से 10 हज़ार का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ से फार्मेसी ऑफिस को हम लोग पूरी तरह से बंद कर देंगे, ना अंदर कोई जाएगा ना कोई बाहर निकलेगा। आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ दिव्या पंडित, सब मौजूद है बीजेपी कार्यालय के गेट के सामने। यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी फार्मेसी के स्टूडेंट पहुंचे हुए थे बीजेपी कार्यालय और लगातार धरना प्रदर्शन लगाए हुए थे। अभी जो है दूसरी बार ये लोग कार्यालय में पहुंचे हैं। अब इनसे ही जानकारी लेते हैं, आखिरकार इनका जो है दूसरी बार आना बीजेपी में क्यों पड़ा, बीजेपी आखिरकार दूसरी बार क्यों है, आप लोग फिर से दोबारा आए हैं बीजेपी में? क्योंकि यहाँ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। पिछले बार भी हम लोग मिले थे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, उन्होंने कहा था ठीक है मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। आज फिर हम लोग आए हैं, ना तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे है ना उप मुख्यमंत्री है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चार साल पढ़ाई करने के बावजूद भी हम लोग को बार बार 8 से 10 हज़ार का भी नौकरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो हम लोग लोन लेके जैसे पढ़े, हम अपना लोन नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो आप लोग का सेशन कितने साल का था? चार साल का सेशन है। हम लोग 2021 में पास आउट हैं, और 21 में पास आउट होने के बाद 3 साल से बेरोजगार हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों को कहीं कुछ चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। इससे पहले आप लोग आए थे बीजेपी कार्यालय, तो किससे बात हुई थी? इससे पहले उनके कार्यालय में कार्य जो प्रभारी थे उनसे बात हुई थी। सम्राट चौधरी से बात हुई थी? नहीं, सम्राट चौधरी जी उस दिन नहीं थे। उन्होंने बोला था कि आप उनसे टेलीफोनिक बात हुआ था, उनका जो टोल फ्री नंबर था, जो फोन उठाए थे उनके कोई पीओ वगैरह थे, उन्होंने कहा कि आके सर से मिलिए, देन हम लोग सर से मिलने आए, वो नहीं थे। हम लोग यही चाहते हैं कि बस हम लोग का रजिस्ट्रेशन जारी किया जाए, और रजिस्ट्रेशन जारी करके हम लोगों को न्याय दिया जाए, बस। क्या बोले आप मिले हुए? हाँ, हम सम्राट चौधरी सर से मिले, बोले जैसे कि हम बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक एक महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू नहीं किया। अगर मंत्री का क्या कहना है, स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग मिले? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री पहले पूर्व में जो थे उनसे बहुत अच्छे से मिले, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी न्यू बने हैं, इनसे कोई वार्ता नहीं हुआ है, अगर बात होता है तो हम आपको बताएंगे। और अगर आज फार्मेसी काउंसिल अगर हम लोग का कुछ नहीं कर रहा, तो आज से फार्मेसी ऑफिस को हम लोग पूरी तरह से बंद कर देंगे, ना अंदर कोई जाएगा ना कोई बाहर निकलेगा, कोई काम आज से वहाँ पूरा तरह से प्रतिबंध कर देंगे। अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई, तो फिर क्यों नहीं? कोई इंजन नहीं है, दोनों इंजन फेल है। सब कहा जा रहा था कि पहले हमारी सरकार बन जाती है बिहार में, तो हम लोग सब कुछ ठीक। यही दिक्कत है कि डबल इंजन का सरकार है, किसी एक आदमी का सरकार रहता तो मैडम आप भी देखते हैं कि बहुत अच्छे से चलता। नीतीश कुमार जी का सरकार आज इसमें है कल उसमें है, इनका सरकार टाइम से गिरेगा टाइम से बनेगा, लेकिन हम लोग 2 साल से घूम रहे हैं, 3 साल से घूम रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। अभी आज अगर इनके बीजेपी के साथ कुछ अनखन होता है, गड़बड़ होता है, तो कल ही जाके किसी और के साथ सर का सरकार बना लेंगे। जाना चाहते हैं, दिक्कत क्या है, हम लोग क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सुनेंगे, प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे लगातार आप लोग प्रदर्शन करते रहिएगा, कई दफा आप लोग आ चुके हैं, फिर आज भी पहुंचे आप लोग। 3 साल से कंटिन्यू आ रहा है, सुबह दोपहर तक प्रदर्शन जारी रहेगा, और हम लोग लाठी भी बरसाया जाता है पटना का। ये बिहार सरकार का, बिहार सरकार का पुराना है, पिटाने के लिए तैयार। हम लोग पे FIR भी वहाँ हुआ है, हम लोग पे वहाँ FIR भी हुआ है, फिर भी आप लोग आ गए। क्या करे, क्या करे, घर में क्या करे, बैठ के बेरोजगार है मैडम, कि हम लोग जेल में बैठे रहेंगे, जेल में बैठने के। हाँ, बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन दीजिए, नहीं तो हम लोग को जेल में डाल दीजिए। हम लोग यहाँ पे जॉब की मांग नहीं कर रहे, हम अपना जॉब क्रिएट करने की बात कर रहे, जो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ी योजना है। मोदी जी कहते हैं कि हम गरीब के लिए, सभी लोगों के लिए रोजगार की बात करते हैं, रोजगार है सब दिखावा है। अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं, अगर गरीब के लिए करते, छात्र के लिए करते, तो हम लोग 3 साल से क्यों घूमते आपके सामने? अभी हम दूसरे बार हम लोग मिले हैं आपसे, 2 सप्ताह के अंदर 2 बार मिले, ऐसे 1000 बार मिलेंगे जब तक कुछ दे नहीं देते हैं रजिस्ट्रेशन। 1000 बार मिली, 1000 बार मिलेंगे, जब तक नहीं गएंगे तब तक हम लोग मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे। मंगल पांडे जी ने क्या कहा? मंगल पांडे जी अपने चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं, अपने टिकट लेने के चक्कर में सब लोग। लगता है अब तो आचार संहिता लागू हो गया, चुनाव का ऐलान भी कर दिया गया 19 तारीख को पहले फेज का चुनाव, अब आप लोगों की मांगे। इससे पहले जब बंद हुआ था रजिस्ट्रेशन, मंगल पांडे जी ही स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी आज भी वही है, देखते हैं क्या करते हैं। वो क्या कुछ आश्वासन दिए उन लोगों से? मंगल पांडे जी से हम लोग का कोई ऐसा बात नहीं हुआ अभी तक, वो मिले ही नहीं, ऑफिस में गए तो पता चला वो दिल्ली में है, जैसे आएंगे फिर हम लोग उनसे मिलने आएंगे। देखिए, फार्मेसी के स्टूडेंट
सप्ताह में दो बार पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है। अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। मोदी जी कहते हैं कि जब हमारी सरकार रहेगी तो बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, छात्रों को हर सुविधा दिया जाएगा, हर सुविधा देने का काम करेंगे। लेकिन अब मोदी जी, विद्यार्थियों का कहना है कि मोदी जी अडानी अंबानी को रोजगार देंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, हम जैसे गरीब छात्रों को क्यों करेंगे। अगर इस तरह से हमें डबल इंजन की सरकार दर दर भटकाते रहेगी, हम लोग भटकने के लिए तैयार है, हम लोग अपनी मांगे लेकर रहेंगे। नहीं तो फार्मेसी स्टूडेंट जो है कहें कि अपनी कार्यालय बंद कर देंगे हम लोग। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।